नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हरियाणा आज पर। हरियाणा की अभी की सबसे बड़ी खबर ये है कि हरियाणा भाजपा ने अपना प्रदेशाध्यक्ष नवनियुक्त कर दिए हैं, नए प्रदेशाध्यक्ष बना दिए हैं। जी हाँ, मोहन लाल बड़ोली जिन्होंने हाल ही में लोकसभा सोनीपत से चुनाव लड़ा था, अध्यक्ष बना दिया गया है। लेकिन आज का मुद्दा क्या है? आज का मुद्दा ये है कि जो मुफ्त की रेवड़ियां राजनीतिक पार्टियां बांट रही हैं, क्या वो सत्ता की चाबी दिला पाएगी? क्या वो आसान होगा कि मुफ्त की रेवड़ियां बांट कर आप जनता की वोट ले पाए? उसी पर आज बात करेंगे, उसी पर चर्चा करेंगे। और हमारे साथ बात करने के लिए कौन कौन यहां पर आए हुए हैं, सभी मेहमानों का मैं बारी बारी से स्वागत करूंगा। सबसे पहले मैं स्वागत करूंगा नरेश शर्मा जी, आम आदमी पार्टी के नेता हैं, प्रवक्ता हैं। बहुत बहुत स्वागत है शर्मा जी। कौशिक जी हैं, भाजपा के नेता हैं, जो डिफेंड करेंगे अपनी पार्टी को, अपनी सरकार को। बहुत बहुत स्वागत है आपका। हरबंश चौधरी है, कांग्रेस के नेता है, सोशल एक्टिविस्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़े रहे हैं। आज वो पार्टी के नेता के तौर पर जुड़े हैं, स्वागत है आपका। चलिएगा, सबसे पहले नरेश शर्मा जी आपको जानना चाहूंगा क्योंकि मुफ्त की रेवड़ियों का जो शब्द आया था, जो मुफ्त की रेवड़िया कल्चर जो हुआ था, कहीं ना कहीं कहा जाता है कि केजरीवाल जी उसके जनक हैं। और अब हरियाणा सरकार ने भी, भाजपा पार्टी ने भी इसको अडॉप्ट कर लिया है और कांग्रेस ने भी इसमें काफी काम किया है, उस पर भी मैं बात करूंगा। लेकिन नरेश शर्मा जी, केजरीवाल जी को जनक माना जाता है मुफ्त रेवड़ियों का, क्योंकि मुफ्त का कल्चर केजरीवाल जी की दिल्ली मॉडल की पॉलिटिक्स से है, क्या कहेंगे? नमस्कार विश्वास जी, आपके दर्शकों को भी और सभी साथियों को भी। तो बेसिकली जो आपका क्वेश्चन है कि ये मुफ्त की रेवड़ियां मुफ्त की नहीं है, ये आपका और हमारा पैसा है। और आपका और हमारा पैसा क्या सांसद ही यूज करेंगे, क्या मंत्री यूज करेंगे, क्या एमएलए यूज करेंगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं होने देंगे। अरविंद केजरीवाल जी यही पॉलिसी लेके आए थे कि हम ये पैसा जो आपका और हमारी जेब का पैसा है, वो जी, आवाज नहीं पूरी आ रही। जी 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 नरेश जी, अपनी बात की। हेलो, हाँ, तो ये बेसिकली जो है, ये पैसा आपका और हमारा पैसा है। हम किसी के लिए इसकी मुफ्त की रेट भी हमने कभी नहीं कहा इसे। और जनता के पैसे को हम जनता तक पहुंचाने का अधिकार रखते हैं। अरविंद केजरीवाल जी इसी नीति के लिए लेके आए कि अगर ये पैसा आप जो हम टैक्स के रूप में देखेंगे कि इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा टैक्स पे किया जाता है और कंट्रीज के हिसाब से, या तो आप फ्लैट टैक्स ले लीजिए कि 20-30% 40% आपकी जो इनकम है वो ले लीजिए और एक हमें फैसिलिटी दे दीजिए। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, इंडिया के अंदर किसी भी सरकार ने आज तक ऐसा नहीं किया कि जो इतना टैक्सेस लेने के बाद गुड असेंशियल के ऊपर भी टैक्सेस है, आपके पास इनकम टैक्स भी है, रोड टैक्स भी है, कार टैक्स भी है, मतलब गिनवाने पे आए तो बहुत सारे टैक्सेस है। अगर इनके ऊपर आपको बेनिफिट, फॉर एन एग्जाम्पल देता हूं मैं, टैक्स पेयर को क्या दिया इस सरकार ने 9 साल के अंदर, समझिए 10 दिन। अब जो कौशिक जी आपके पास आना चाहूंगा, हरियाणा सरकार, आपकी भाजपा सरकार लगातार, चाहे मुफ्त के प्लाट हो, चाहे फिर हैप्पी कार्ड बनाने हो, 500 से 1000 किलोमीटर की यात्रा मुफ्त करानी हो, कहीं ना कहीं नायब सरकार, भाजपा सरकार लगी हुई है लोगों को रिझाने में, लुभाने में। क्या लगता है तीसरी बार इस मुफ्त की रेवड़ियों के बलबूते सरकार बनाने वाले हैं आप? मैं एक बात आप लोगों के माध्यम से बता दूं जी कि भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी लोग लुभावने वादे कर और झूठ बोलकर सत्ता नहीं हत्याई जी। भारतीय जनता पार्टी पहले दिन से, गठन से, जिन बातों को हमने कहा है उन बातों को पूर्ण करना और उनको असली जामा पहनाना, इसके नाते से ही पूरे भारत में आज जानी जाती है कि आज ये विश्वास जनता का भाजपा के ऊपर बना है कि भाई चाहे 2008 का मेट्रो हो, कांग्रेस ने हर घर नौकरी बांटने की बात कही, चाहे 2024 का चुनाव हो कि हर घर में 8500 रुपए देंगे, हर व्यक्ति के अकाउंट में खटाखट अकाउंट में पैसे आएंगे, तो ये सब झूठ बोलने का तो जाल। याद आई आपको 9.5 साल खट्टे साहब क्या करते रहे?
भाजपा आज वंचित वर्ग के साथ खड़ा है। भाजपा ने जो कहा उसको आज कर रही है। भाजपा ने जिन जिन मुद्दों को उठाया, गरीबों को घर देने का उठाया तो हमने किया। हमने आज हरियाणा में आयुष्मान कार्ड के माध्यम से घर बैठे गरीब व्यक्ति को उसके हक मिल रहे हैं। ये केवल हरियाणा की सरकार ने करके दिखाया। आज जो केंद्र सरकार जहां पर गरीबी की एक एक 20 तक मानती है, हरियाणा सरकार ने उसको बढ़ा के 180 तक करके गरीब का हक देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हरियाणा के अंदर किया। कुछ मिनट के बाद आता हूँ आपके पास। कहते हैं कि मोदी को नहीं बांट रहे, की पूरा कर रहे, कितना सहमत है? यशपाल जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ, झूठ बोलने की जो प्रमोद कौशिक जी बात कर रहे हैं, झूठ बोलना ये है कि 100 स्मार्ट सिटी बनेंगे, हर साल 2 करोड़ रोजगार मिलेंगे, काला धन वापस आएगा, किसानों की आय 2022 तक दुगनी होगी, झूठ बोलना इसको कहते हैं। सत्ता में आप, देश की जनता ने आपको मैंडेट दिया है, आप जनता और जनता से जुड़े हुए मुद्दों की पूर्ति करिए। अब बात आते हैं रेवड़ी वाले। एक डिक्शनरी में शब्द है सुविधा अनुसार। जी, भाजपा हर चीज सुविधा अनुसार करती है। और अगर हम बात करें तो रेवड़ी जो शब्द है उसके आविष्कारक कौन है, उसके खोजकर्ता कौन है? उसकी खोजकर्ता है बीजेपी, देश के प्रधानमंत्री। जब इलेक्शन आएंगे तो ये सारी सुविधाएं देंगे, तरह तरह की बात करेंगे, लोक लुभावन, लोगों से लोगों को आकर्षित करने का प्रयास करेंगे। 9.5 साल से क्या कर रहे थे, 9.5 साल से क्या कर रहे थे मैं बता देता हूँ। 9.5 साल से ये कर रहे थे, खट्टर साहब का एक पैटर्न है मारपीट का, किसान पिटे, जवान पिटे, नौजवान पिटे, पटवारी पिटे, सरपंच पिटे, नंबरदार पिटे, सब पिटे। अब 9.5 साल, अभी लोकसभा चुनाव में जो इनका रिजल्ट हुआ, इनका जो हश्र हुआ, उसका परिणाम है कि अब ये बात कर रहे हैं सुविधाएं देने की 9.5 साल बाद। ये देश एक कल्याणकारी राज्य है, ये देश 140 करोड़ लोगों का है जी, ये एक प्रॉफिट एंड लॉस कंपनी चलाते हैं, ये चुनाव आते ही कैलकुलेशन करने लगते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस कंपनी साथी प्रवक्ता का कहना है। मैं एक बात हरवंश जी को बताना चाहूंगा कि लोकसभा का रिजल्ट आते ही भाजपा के कार्यालय पर लोगों की 8500 रुपए और 1 लाख रुपए मांगने की भीड़ नहीं लगी। ये कांग्रेस के कार्यालय पे लोग फार्म लेके गए हैं, ये मीडिया ने दिखाया है। 8500 रुपए हर घर में देंगे, आप लोगों ने झूठ बोल के वोट लिया है, मोदी के विरोध में वोट नहीं मिला आप लोगों को। आप लोगों ने 8500 रुपए हर अकाउंट में आएंगे, 1 लाख रुपए आपके सालाना अकाउंट में देंगे, कांग्रेस की सरकार आएगी तो ये कर देंगे। वो आपने फार्म बांटे हैं, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष के साइन करके आप लोगों ने फार्म बांटे हैं, वो झूठ बोली है। तब भी आप 2 के आंकड़े पे समित रहे थे। एक तरफ भारत में आपका युवराज जो आज तक फैल चल रहा है करोड़ों रुपए पार्टी का लगाने, कांग्रेस का लगने के बाद भी, और विदेशी कंपनियों का पैसा लगने के बाद भी आपका युवराज आज तक नेता नहीं बन पाया। वो 99 नंबर लेके मेरिट बता रहा है 547 में से। और एक तरफ इटली का राष्ट्रपति 110 नंबर आता है 600 में से, वो अपनी हार स्वीकार करता है। आप लोग भारत से नहीं सीखते, इटली से सीखते थे, एजुकेशन से सीखते थे, वहीं से सीख लीजिए। आप लोगों ने मुफ्त की रेवड़ियां क्यों बांटी, बहकाने की कोशिश की, परंतु जनता बहकावे में नहीं आई। कुछ हर्ष तक आप लोगों ने अपनी झूठ को बेचा, वो भी 2 के आंकड़े पे सीमित रह गए। ये आप लोगों की झूठ का मुफ्त की रेवड़ी दिखाने का सब बड़ा सताने का कारण है। प्रमोद जी जो बात कह रहे हैं, हम जनता के बीच में गए, हमने अपनी बातें रखी, हमने हम आने वाले 5 साल में अगर जनता मौका देगी तो यहाँ साइन करके फॉर्म दिए, साइन करके प्रमोद जी सुनिए, आप लोगों ने भी जनता को बहकाने का काम किया, जिसने कभी संविधान नहीं पढ़ा, आपके युवराज के दाती ने
पूरे संविधान को बदलने का प्रयास किया। 1975 में इमरजेंसी लगाई, इस तरह के संविधान को कुचलने का काम ये किया है देश में, तो कांग्रेस ने किया। समझ में नहीं आ रहा है, वो रेवड़ी नहीं है, गरीब व्यक्ति के लिए तो अन्न है और गरीब व्यक्ति की रोजमर्रा का काम है, रोजी रोटी का साधन है। हाँ एक बात जरूर कहूंगा कि जितना झूठ, जितना फ्रेब, जितना करके बीजेपी सत्ता में आई, आज तक कोई पार्टी आई नहीं जी। ये कहते हम झूठ बोल के नहीं आए, हाँ झूठ बोल के नहीं, जुमले घेर के आए। इन्होंने बोला 2 करोड़ रोजगार देंगे, 15 लाख रुपए हर खाते में आएगा, बुलेट ट्रेन आएगी, नदियों को जोड़ देंगे, पूरे भारत की नदियों को गंगा साफ कर देंगे। गंगा तो साफ नहीं हुई, बेचारी उमा भारती साफ हो गई। पता नहीं कितने जुमले फेंके इन्होंने, और अब तो जनता भूल गई है। यहाँ तक कि साइंस के युग में प्रधानमंत्री ने अपनी एक विश्व स्तर पर अपनी वो दिखाने के लिए, छवि दिखाने के लिए जनता से ताली और थाली बजवा दी, लाइट बंद करा के मोमबत्ती और दिया जलवा दिया। ये तो इनका साइंटिफिक विजन है। बहुत अफसोस की बात है, आज 9.5-10 साल हो गए बीजेपी को हरियाणा में जी, और आज इनके जाने का टाइम है। ये कुछ कर ले, ये 100 गज का प्लाट दे दे या 1000 गज का प्लाट दे दे, एक एक किला भी फ्री दे दे जमींदार को, वो मानने वाले नहीं। आप सड़क पे बैठे लट खाए उन्होंने, आज जो सड़क ब्लॉक किया वो किसानों ने नहीं, वो सरकार बनाना चाहता हूँ। अपनी बात पूरी करने दीजिए, मेरे को अपनी बात पूरी, यदि गरीबों के 100 गज के प्लाट मिल रहे हैं, इनेलो के पेट में दर्द क्यों है? आप ना उसके बाद बोल रहे हैं, मेरे को अपनी बात पूरी करने दीजिए। पिछले 70 साल बाद मिल रहा है, आपके पेट में दर्द क्यों है? पूरी देश की जनता ने नरेंद्र मोदी को नेता माना, इसलिए उनके कहने पर थाली भी बजाई, मोमबत्ती भी जलाई, आपके युवा के कहने पर कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि देश की जनता नरेंद्र मोदी को नेता मानती है। चलिए चलिए नरेंद्र ओंकार जी अपनी बात पूरी कीजिए आप पहले जी। ओंकार जी यशपाल जी, मेरे कहने का मतलब है लोकतंत्र में जनता मालिक है, जनता किसी को भी राजा, किसी को भी भिखारी, किसी को भी रंक बना सकती है। मैं मानता हूँ इनकी 240 सीट आई है बीजेपी की, लेकिन इस बार का जो चुनाव है वो जनता ने लड़ा है, कांग्रेस ने नहीं लड़ा। कांग्रेस की अगर कमियां ना होती तो हरियाणा में से एक भी सीट बीजेपी ना जीतती। ये चुनाव जनता वर्सेज मोदी हो गया था, ये मोदी वर्सेज नॉन मोदी हो गया था। ओंकार जी को एक बात बताना चाहता हूं, ये केवल झूठ ने चुनाव कांग्रेस को यहां तक पहुंचाने का काम किया। यदि झूठ ना होती को छला, तो मैं कह रहा हूं कि आज तो इन्होंने तो उस हाल में है कि ना नॉर्मल तेल होगा ना राशन रहेगी, करने का वादा किया। इनेलो की स्थिति तो आज ये है कि ना नॉर्मल तेल होगा ना राशन रहेगी, इसलिए आप तो उस लाइन से बाहर हैं। कहीं ना कहीं मुश्किल से झूठ बोल के कांग्रेस अपने आपको 99 के आंकड़े तक पहुंच पाई। आप डिसाइड नहीं कर सकते। मैं एक ही बात कह रहा हूं कि जो झूठ बोल कर अब तक चलिए चलिए तो देश को बरगनाया। आपकी देवीलाल सरकार ने धन्यवाद आपका ओंकार जी, आपकी देवीलाल सरकार ने पेंशन शुरू की थी, तो वो भी मुफ्त की रेवड़ी कह सकते हैं उसे भी। देखिए मैंने पहले ही कह दिया, मुफ्त की रेवड़ी नहीं है, किसी के परिवार के जीवन यापन करना है। अगर गरीब व्यक्ति को देखा जाए, जब 100 रुपए पेंशन शुरू कर दी चौधरी देवीलाल जी ने, उस समय के 100 रुपए आज के 10,000 के बराबर है। वो 100 रुपए इसलिए देते कि बुजुर्ग को, बुढ़ा बुढ़ी को अपने परिवार में इज्जत मिल सके और अपना खर्चा खुद चला सके। लेकिन आज की सरकार, बीजेपी की सरकार, ये ऐसी सरकार है, इन्होंने परिवार पहचान पत्र बना कर पेंशन भी बंद कर दी, पीले कार्ड भी काट दिए। तेनी सरकार अगर 100 गज के प्लाट गरीबों को देती है तो फिर इनेलो को क्या दिक्कत है? दे अगर हम तो कह रहे 500 गज के दो, किसको दिक्कत है?
अरे भाई दिक्कत तो इन्हीं को हो सकती है, हमें कोई दिक्कत नहीं। हम तो कह रहे 500 का दिक्कत दो, 1000 का दिक्कत दो, एक एक किला फ्री कर दो जमींदारों को, क्यों नहीं देते? और अभी क्यों याद आई? पहले क्यों नहीं याद आई? 9.5 साल हो गए, अब पता लग गया कि जनता पिछड़े धोती खोलने वाली है। आप लोगों ने याद आ गया, 100 का प्लाट हरियाणा में राज किया, आप लोगों ने गरीबों की सुध नहीं ली। भाजपा ने हर अंतिम व्यक्ति के उत्थान के लिए कार्य किया, उनके लिए योजना बनाई। अब यदि जनता नरेंद्र मोदी जी का सम्मान करती है, उसमें भी आपको पोर्टल पर बैठ गई। जब से नायब सैनी मुख्यमंत्री बने हैं, कभी वो हैप्पी कार्ड लॉन्च करते हैं, कभी वो मुफ्त की स्कीमें दे रहे हैं, कभी वो पीपीपी दे रहे हैं, कभी वो आधार कार्ड बना रहे हैं, कभी वो प्लॉट दे रहे हैं, मतलब आए दिन कोई ना कोई स्कीम लॉन्च कर रहे हैं। तो क्या रोड मैप तैयार किया जा रहा है 2024 के लिए? तिवारा से साढ़े 9 साल के अंदर, पिछले 9.5 साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने अनेकों योजनाएं केंद्र और प्रदेश की जनता में लागू की, वो भी उनकी चुनाव का टाइम नहीं था। और आज उसी का पीछा चल रही है, जो हमारे लंबित काम है उसको हम ये कर रहे हैं। कौशिक जी, दूसरी कौशिक जी, सुनने की मांग रखिए। बोले कौशिक जी, आपको रोकना पड़ेगा, सुन लेते हैं, सुन लेते हैं शर्मा जी को, फिर उसके बाद बात कर लेंगे। जी यशपाल जी, एक चीज देखिए, मैंने बीजेपी के जितने प्रवक्ता हर चैनल पे चले जाओ, उनके पास बीच में बोलने के लिए आदि ऐसा हो चुका है कि उनको बीच में बोलने की आदत खराब हो चुकी है। पता नहीं बीजेपी ने क्या गोली दी थी, या मैं अगली बार से ना, मैं हर बार कहता हूँ उनके लिए बीपी की गोली लेके बैठना पड़ेगा हर बार, और चैनलों पर बीपी की गोली लेके बैठा उनके प्रवक्ताओं के लिए, क्योंकि बीच में आपको अपनी बात रखनी है, दूसरे के बीच में इंटरप्शन क्या है? जब आपको मौका मिलता है अपना बात करिए, और जो अभी बात कह रहे थे फेल हो गए 99 पे फेल हो गए, 240 पे फेल हो गए, पीछे में बोलिए, आप समय खराब कर रहे हैं, तो ऐसे ही होगा। विषय पर आपका समय खराब चल रहा है, हमारा समय खराब नहीं है, आप लोगों का, आपका तो नेता जेल में है, गिनवा रहा हूँ समय के, समय खराब गिनवा रहा हूँ, नेता जेल में है, दिल्ली के अंदर, और बाकी तो दिल्ली के अंदर 45 साल। चलिए अभी देख लो, समय आपका खराब नहीं है। एक नेता बाहर आ गया, सुप्रीम कोर्ट ने मुंह पे लात मारी है सीधी, आपकी जो जमानत पे एक जमानत पे एक बाहर आ गया, मुख्यमंत्री बन गया, दूसरा कोई वहां पे वही नहीं हुआ, आपके ईडी और सब फेल हो गए वहां पे, तंत्र सारे के सारे। ऐसे केजरीवाल जी बाहर आएंगे जब आपके तंत्र को पता चलेगा क्या होता है, सारे के सारे नेताओं को अगर इस तरह से आप जेल में डालेंगे जब आपको पता चलेगा, जब आपकी बारी आएगी, ऐसा नहीं बारी नहीं आएगी, मौका सबको देता है। और नॉर्मल तेल राजा रानी डालने के लिए बात कहना चाहता हूँ, राजा रानी तो भक्तों के ऊपर नाचती है, राजा रानी तो भक्तों के ऊपर नाचती है, सुन लीजिए, यदि आपका नेता जेल में है ये बात पूरी दुनिया जानती है, सुन लीजिए, आप नेता जेल में है ये बात पूरी दुनिया जानती है, 45 हरियाणा में 75 का नारा 40 पे रह गए, एक ही गिनवा रहा मैं आपको, दिल्ली में 45 साल से 8 पे रह गए, हरियाणा में 75 बार का नारा देते 40 पे रह गए, खेल की बात करिए बंगाल में 200 का नारा देते 77 पे रह गए, महाराष्ट्र के अंदर 150 का नारा देते थे 100। तो व्यवस्था कर रही है हरियाणा में, भाजपा व्यवस्था कर रही है, आपके लिए भी खतरे की घंटी है, क्योंकि मुफ्त की इतनी स्कीमें ला दी है, गरीबों के लिए इतनी स्कीमें ला दी कि आपके लिए राय मुश्किल होने वाली है, कांग्रेस के लिए राय मुश्किल जी। यशपाल जी, हमारी राय, हम राजनीति बदलने के लिए आए हैं, हम राजनीति बैठने के लिए नहीं आए, हम तो कहते हैं कि करप्शन बदलने आए थे, दिल्ली की राजनीति में देखा है पूरे देश में, सुन लीजिए, दिल्ली के अंदर, पंजाब के अंदर बीजेपी और कांग्रेस के सारे नेता, पंजाब में भी देखा, आपके मंत्री अंदर गए हैं, करप्शन के चार्ज में अंदर गए हैं, फ्री की बिजली यूज करते हैं, आप लोगों ने तो मॉडल राजनीति का किया है, सारी की सारी जो सुविधाएं हैं, जो केजरीवाल जी चालू कर रहे हैं, सारी की सारी फ्री ले रहे हैं। हरबंश जी के पास जाऊंगा, हरबंश जी कुछ कहना चाहते हैं आप? एक मिनट सुन लीजिए, मेरे को ये बता देता हूँ कि इनके जो फेलियर है, मैं बता देता हूँ आपको, फेल हो गए जी, मिजोरम के अंदर 21 में से एक रह गए थे, वहां पे फेल क्यों नहीं? या तो ये कह रहे थे 92 आंकड़ा पार नहीं कर पाए, वहां तो इनकी एक आंकड़ा पार नहीं कर पाए थे जी। तो अपने आप तो देखो, कर्नाटक के अंदर 130 में से 60 लीटर दी, तो एक बार किसी का आंकड़े पूरा देश में आम आदमी पार्टी का चरित्र, चलन, चेहरा सब कुछ देख लिया, पूरे देश में, इसलिए आप कहीं भी अकाउंटेबिलिटी में नहीं, देख लिया, आप लोग अपने आप को बचाने के लिए इंडिया गठबंधन में गए, वहां भी नहीं बच पाए, कंपार्टमेंट में चल रही है, पूरा देश जानता है।
नरेश जी मैं रोकना चाहूंगा आपको। सवाल उनका ये है, 400 पार था 240 पर रुक गए, 75 पार था 45 पर रुक गए, 42 पर रुक गए, तो कहीं ना कहीं डाउनफॉल भाजपा के लिए है। जो ये आप स्कीमें दे रहे हैं ये आपको रोक नहीं पाएगी, आपको दोबारा सत्ता में बैठा नहीं पाएगी, ये उनका कहना है। इस पर प्रकाश डाल दीजिए, फिर हरबंश जी के पास जाऊंगा। मैं एक ही बात बताना चाहता हूं नरेश जी को, आपको आपने तो हरियाणा में एक लड़ी वो नहीं मिली, दिल्ली में आपने लड़ी वो नहीं लड़ी, जिसको जीरो नंबर आया है वो 240 लेने वाले को सवाल पूछता है, जिसको जीरो नंबर आया वो 240 नंबर लेने वाले। लोकतंत्र संख्या में स्वागत में लोग खड़े होते हैं, हरियाणा के मुख्यमंत्री को मिलने के लिए लंबी लंबी कतारें लगी होती है। चलिए चलिए हरबंश जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी, आप लोगों को अपना आंकलन करना चाहिए कि आपकी स्थिति क्या है इस समय। हरबंश जी, आपके पास में आखिरी बात है, आपको क्या लगता है कि वाकई में फायदा मिलेगा भाजपा को इन सारी स्कीम का, क्योंकि कांग्रेस भी इसी परिपाटी पर चलती रही है। मुख्य प्लाट आपकी सरकार ने भी दिए, यशपाल जी, कांग्रेस पार्टी लोगों को रियायत देने और उसको रेवड़ी नहीं मानती। वो संविधान के प्रति कमिटेड है, वो किसान कमेरे के प्रति कमिटेड है। हम लगातार प्रयासरत हैं कि नीचे जो निचले पायदान पे व्यक्ति है उसको कैसे मुख्य धारा में लाया जाए। रही बात जो प्रमोद जी कह रहे हैं, वो जो लोकसभा चुनाव की तरह तरह की बात कर रहे हैं, बात होगी हरियाणा की। हरियाणा 9.5 साल हो चुके हैं, आपने सीएम भी बदला, और जो फरसाधारी सीएम थे जिन्होंने हरियाणा को बर्बाद कर दिया, और हरियाणा को बर्बाद करने का इनाम में उन्हें यह मिला कि उन्हें सेंटर में कैबिनेट मिनिस्टर बनाया गया। बनाना चाहिए था राव साहब को, राव इंद्रजीत जी को जी। और उनके जो 9.5 साल थे, जो उनकी कुशासन और कुनीतियाँ थी, उसी का परिणाम था कि हरियाणा में अनेक घोटाले हुए। रजिस्ट्री घोटाला हुआ, शराब घोटाला हुआ, HPSC घोटाला हुआ, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन घोटाला हुआ, चावल घोटाला हुआ, अमृत योजना घोटाला हुआ, सहकारी घोटाला हुआ, नगर निगम में घोटाला हुआ, अनेकों घोटाले हुए, परिवार पहचान पत्र घोटाला हुआ। अगर इतने घोटाले थे साफ हो जाना चाहिए था, जनता ने 5 सीटें क्यों दे दी, ये तो बड़ा सवाल है। जी, परफॉर्मेंस कम हुई है, पूरे देश में कम हुई है। असलियत में हुआ क्या, मैं बता दूं, जवाब देना चाह रहा हूं कि मेन स्ट्रीम मीडिया साथ था, और 400 पार का नारा था, ऐसा नारा 75 पार का हरियाणा में भी लगा था। और अभी प्रमोद जी कह रहे थे ना कि संविधान नहीं पढ़ा, अगर संविधान पढ़ाना है ज्योति मिर्धा को पढ़ाइए, लल्लू सिंह को पढ़ाइए, अनंत कुमार को पढ़ाइए, कितने लोगों को पढ़ाइए जो संविधान बदलने की बात कर रहे थे। कांग्रेस पार्टी हमेशा संविधान के पक्ष में खड़ी है और संविधान को बचाएगी। आखिरी में आप ही के पास मैं एक बात अरबान जी को समझा देना चाहता हूँ जी। भैया, मैं दोबारा से वही कह रहा हूँ, आपने 543 में से 99 नंबर लिए हैं, आप 33% भी डिग्री पे नहीं है, और आप बात करते हैं जी 75 क्यों नहीं आया, 400 पार क्यों नहीं हुआ, और किस नेता को क्या हमने बनाना, ये भारतीय जनता पार्टी का है, जनता ने हमें मैंडेट दिया है किसको मंत्री बनाना किसको नहीं बनाना, ये हमारे संगठन का विषय है। आप लोगों को ये पेट में दर्द, मतलब कुकरों को भड़काना, भूख डालो राज करो, ये स्थिति अंग्रेजों से आप लोगों ने कांग्रेस में ली है, वो यहाँ कामयाब नहीं होने वाली। आपके यहाँ पर तो महिला का अपमान करना कांग्रेस के बड़े अक्षरों पर लिखा हुआ है। आप यहाँ पर कहते हैं कि महिला का कोई सम्मान नहीं है, आपके बड़े नेता अपमानित करते हैं, आपकी पार्टी से जो अपमानित होकर लोग आए हैं वो आज आप लोगों के बारे में बोलते हैं। जवाब देना चाहता हूँ यशपाल जी,
कांग्रेस में तो यहाँ तक हुआ, हरियाणा में राहुल गांधी को बुलाना नहीं है, आपको वो उठा सकता है, राहुल गांधी को बुला दे तो हार जाएंगे। तो आपकी ऐसी स्थिति है, ना नेता आपके पास है, ना नेतृत्व आपके पास है, ना नीति आपके पास है, केवल आप लूट के दरवाजे दोबारा खोलने के लिए सत्ता में आने चाहते हैं, इससे अलावा आपकी कोई मंशा नहीं। प्रमोद जी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पास नीति भी है, नेतृत्व भी है, हमारी जो कमियां हम उनका सुधार करेंगे। लेकिन जो जो अभी आप कह रहे थे महिला सम्मान की, महिला सम्मान तो आपने माना, कमी तो है ना, पहलवानों को, पहलवानों को जो कुचला जा रहा था, महिला पहलवानों को जब कहां थे आप, चिन्मयानंद, चिन्मयानंद, ब्रजभूषण शरण सिंह जो आतंकवादी आपने बसा रखे, उनके बारे में बताइए, महिला सम्मान को कहां करते हैं, महिला सम्मान को कहां करते हैं, आप हमें सिखाइए, महिला सम्मान को आप हमें सिखाइए। आप लोगों में तो आपके युवराज तो कुछ पद पे भी थे, उन्होंने संसद के अंदर एक तो प्रस्ताव तो पार के उसका मजाक उड़ाया, ये संविधान का अपमान किसने किया, ये पूरी जनता जानती है। अपमान आप कर रहे हैं, आप लोगों ने युवराज ने संसद के अंदर, संसद के अंदर बिल को फाड़ने का काम किया है। आप संविधान की बात करते हो, पहले उस संविधान को पढ़ते लो, संविधान को आपके युवराज को बहुत पहले पढ़े समझे, भारत के संविधान को पढ़े समझे, फिर उसको चर्चा करें, खाली बुक उठाने से, किताब दिखाने से संविधान समझने नहीं आता। प्रमोद जी, ज्योति मिर्धा, अनंत कुमार, लल्लू सिंह को पढ़ाइए संविधान, जो संविधान को बदलने की बात करते हैं, आप जो संविधान को बदलने की बात करते हैं, आपने झूठ बोल के राजनीति की है, इसलिए मैं आपसे पूछता हूँ, संविधान आपको पढ़ने की आवश्यकता है? इसका जवाब जनता देगी, लोकसभा में दे चुकी। हम संविधान को पूजने वाले हैं, आप लोग संविधान का मजाक उड़ाने वाले हैं, इतना अंतर। आप दोनों को फिलहाल के लिए सवाल ये सवाल के बीच छोड़ देता हूँ, क्योंकि हरियाणा की जनता जल्द फैसला करने वाली है कि वो किसके साथ है, वो वोट की रेवड़ियों में उलझने वाली है या फिर वो अपने विकास रोजगार पर वोट देने वाली। बहुत बहुत धन्यवाद, मैं आप जो आए उनकी पार्टी की बात रखी, बहुत बहुत शुक्रिया। सुरेश शर्मा जी, आपने आम आदमी पार्टी की बात रखी, और प्रमोद कौशिक जी, सरकार को आप डिफेंड हमेशा करते आए हैं, आज भी किया, बहुत बहुत शुक्रिया। और शुक्रिया करूंगा सभी दर्शकों का जो हमारे साथ बने हुए हैं, जुड़े हुए हैं और लगातार हरियाणा आज को देख रहे हैं। दोस्तों, अगर आपने हरियाणा आज को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और हमारे चैनल को, हमारे वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि अब हम महासंग्राम के अलावा टिकट किसकी और चुनावी ट्रैक्टर जैसे कार्यक्रम लेकर आएंगे, और हरियाणा की राजनीति से संबंधित कार्यक्रम होंगे, और हरियाणा की राजनीति की नब्ज को आप पकड़ पाएंगे अगर आप हरियाणा आज के सब्सक्राइबर हैं। तो जुड़े रहिएगा, बने रहिएगा, और लगातार हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दोस्त यशपाल कंचन।